जय स्वामीनारायण। आज हम अध्ययन करेंगे 23वां जो पाठ है कि जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी तो उसके जो लेखक है वह धर्मवीर भारती जी थे। तो धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। साथ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वह हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और 1960 से 1928 तक वह धर्मयुद्ध जैसे प्रसिद्ध साप्ताहिक का संपादक उन्होंने कार्य किया। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं भी की थी और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। साथ में उन्होंने साहित्य की सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था। धर्मवीर सिंह भारती एक नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार थे। उन्होंने अंधायुग, कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा उनके काव्य संग्रह माने जाते हैं। उन्होंने जो कविताएं एवं नाटक अंधायुग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। देखा जाए तो गुनाहों के देवता, साथ में जो सूरज का सातवां घोड़ा और आगे देखा जाए तो उन्होंने जो लिखा कि गुनाहों का घोड़ा, विभिन्न तरीक़ों से उन्होंने अपना साहित्य सर्जन यहाँ पे किया है। तो प्रस्तुत जो संस्मरण ग्रंथ में धर्मवीर सिंह भारती ने बताया है कि अपने बचपन के दिनों की बात उन्होंने हमारे सामने रखी थी। साथ में उनको पढ़ने का बड़ा ही शौक था। स्कूलों में इनाम में उन्हें जो दो किताबें मिली थी तो वह उन्हें अपनी अलमारी में ठीक जगह पे रख देते हैं। लेखक ने अपनी लाइब्रेरी बनाई है, साथ में वहाँ की किताबों को इकट्ठे करने में उन्हें किताबें इकट्ठे करने की धुन सवार हो गई है। माँ ने उन्हें पिक्चर दिखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन उनका मन, लेखक का मन पलट जाता है और वह क्या करते हैं कि किताबें लाकर दुकान में से वह देवदास नामक एक पुस्तक खरीदते हैं और लेखक ने अपने पैसों से खरीदी हुई वह पहली किताब क्या किताब थी। इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो यहाँ पर जो धर्मवीर सिंह भारती जी जो है तो वह बताना चाहते हैं कि उनके जीवन में उन्होंने पुस्तकों से किस तरह से वह अपने जीवन में लाए। जब माँ ने उन्हें फिल्म देखने के लिए 2 रुपये जब दिए थे तो धर्मवीर सिंह भारती जी ने क्या किया था कि वह 2 रुपये बचाकर उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक लाए और वह उनके जीवन की पहली जो पुस्तक थी। तो यहाँ पे धर्मवीर सिंह भारती जी बताते हैं कि बचपन की बात है, उस समय में जब आर्य समाज में सुधारावादी आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहा था। साथ में वह बताते हैं कि मेरे पिताजी आर्य समाज के रानी मंडी के प्रधान थे। माँ एक शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। साथ में बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था। लेकिन मेरे पिताजी मेरे जन्म से पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने, यानी जब धर्मवीर सिंह भारती का जन्म हुआ तब उनके जन्म के पूर्व ही
गांधी जी ने के आह्वान पर उनके पिताजी ने जो सरकारी नौकरी थी वह छोड़ दी थी, और साथ में उन्होंने क्या किया कि हम लोग बड़े अधिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। लेकिन लेखक यहाँ पे बात करते हैं कि उनके घर में परिस्थिति वैसे भी ठीक नहीं थी, तब भी उनके घर में कुछ न कुछ पत्रिकाएं आती थी। पत्रिका वो का सामान्य अर्थ होता है गुजराती में हव, जिसे सामायिक कहते हैं। तो उनमें देखा जाए तो नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी, आर्य मित्र साप्ताहिक, नवोदय, सरस्वती, गृहिणी और दो बाल पत्रिकाएं भी मेरे लिए, यानी जब लेखक छोटे थे तो विभिन्न तरह की पत्र पत्रिकाएं तो आती थी, लेकिन उनके लिए कौन सी पत्रिकाएं आती थी कि एक बाल सखा और दूसरी चमचम, दो पत्रिकाएं उनके लिए आती थी। तो एक बाल सखा थी और दूसरी जो थी वह चमचम थी। तो उनमें होती थी परिया, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की और कहानियाँ और रेखाचित्र। उनको उनके लिए पढ़ने को जो पत्रिकाएँ आती थी लेखक के लिए, तो उनमें राजकुमारों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, दानवों की कहानियाँ, साथ में रेखाचित्र के साथ वह पत्रिकाओं में दिखाया जाता था। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। लेखक अपने बारे में बताते कि मुझे पढ़ने की चाह लग गई क्योंकि मैं इस तरह से पुस्तक पढ़ता था और मुझे पढ़ने की चाह लगी। हर समय पढ़ता रहता, खाना खाते समय थाली के पास में पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। हर समय लेखक क्या करते थे कि पढ़ते ही रहते थे। जब भी खाने का समय होता था तो खाने की थाली के पास में किताब रख देते थे और तब वह पढ़ते थे। आगे बताते हैं कि अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। दोनों पत्रिकाओं के बावजूद भी, दो पत्रिकाएं तो उनके पास थी ही, लेकिन दो पत्रिकाएं होने के बावजूद भी वह और भी पुस्तक, जिस तरह सरस्वती और आर्यमित्र वह पढ़ते थे। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषद और हिंदी अनुवाद, साथ में उनके घर में काफ़ी सारी किताबें थी, और उन किताबों में जो थी तो उपनिषद थी और साथ में हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्ययन को पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मजा आता था। लेकिन सत्यार्थ पुस्तक नामक एक प्रकाशन था, तो क्या होता था कि सत्यार्थ पुस्तक नामक वह प्रकाशन उन्हें पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, लेकिन वह क्या करते हैं कि मज़े से फिर भी पढ़ते थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसका अर्थ यही होता है, उसका अर्थ वो होता है, लेकिन उन्हें पढ़ने का रस था इसलिए वह पढ़ते थे। फिर आगे वह बताते हैं कि मेरी जो पुस्तक थी, तो मेरी पुस्तक प्रिय पुस्तक थी तो वह है स्वामी दयानंद की एक जीवनी। स्वामी दयानंद की एक जीवनी नामक उनकी पहली मन प्रिय पुस्तक थी। साथ में वह कहते हैं कि वह रोचक शैली में लिखी हुई थी, अनेक चित्रों से सुसज्ज थी, वे तात्कालिक पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। हमने जो दयानंद सरस्वती का नाम सुना ही होगा, वह आर्य समाज के स्थापक थे, लेकिन जो उनका जीवन था, उनका बचपन था, तो वह पाखंडी लोगों को विरुद्ध जिसने अदम्य साहस दिखाया था, तो वह उनका जीवन इस तरह से था। और साथ में प्रभावित करती थी
चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लिया लेना कि प्रतिमाएं भगवान की नहीं होती, और घर छोड़कर भाग जाना। साथ में उन्होंने कुछ किताबों में पढ़ा था कि चूहे ने भगवान से यह देखा कि भगवान मीठा नहीं खाते, इसलिए चूहा खुद ही जो मिठाई होती है वह खा के निकल जाता है। और साथ में क्या करते हैं कि उन भगवान की प्रतिमाएं नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं में, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना। तो दयानंद सरस्वती जी जो थे, तो हमें पता ही है कि वह तमाम शिखरों हो, जो हिम शिखाओं हो, गुफाओं हो, जंगलों हो, जहाँ पर भी हो वहाँ पर भी वह चले जाते थे, साधुओं के साथ वह घूमते थे। और साथ में उन्होंने क्या किया कि भगवान की तलाश की, और वह सोचने लगे कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्यों की रूढ़िया है, उनका खंडन करना, अंत में अपने हत्यारे को भी क्षमा कर देना कि कोई भी प्रकार की जो उनके सामने हत्या करते थे तो वह अहिंसक रूप से, अहिंसक तौर से वह उनकी रक्षा करते थे। साथ में अपने हत्यारे को क्षमा कर देना और सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन में बहुत रोमांचित करता था। फिर आगे बताते कि उनके जीवन में जो उन्होंने जो यह दयानंद सरस्वती जी की किताब पढ़ी, तो उनका असर तो हुआ, लेकिन साथ में जब आगे वह बताते हैं कि माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, उनकी माता जो थी वह स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी और सतत चिंतित रहती थी कि लड़का कहीं किताबों में कुछ नहीं पढ़ रहा। साथ में वह चिंतित भी इसलिए थी कि लड़का अकेले स्वामी दयानंद जी की जो जीवनी सुनने में ही माहिर है, वह वही पढ़ता है, लेकिन वह किताबों में कुछ भी नहीं पढ़ रहा, तो पास कैसे होगा? कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो? अगर इस तरह की जो कहानियाँ हैं वगैरह वह पढ़ेगा, इस तरह की जो लेख, तो उनकी माता को एक चिंता हो रही थी, अगर साधु बन गया और फिर कहीं जंगल में भाग गया तो? पिता कहते हैं कि जीवन में पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो, मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। तो धर्मवीर सिंह भारती जी ने बताया कि पिता ने उन्हें कहा था कि पढ़ने दो, और पढ़ाई ही जीवन में काम आएगी। फिर भारती जी कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं गया, शुरू से पढ़ाई करने के लिए मेरे घर पे मास्टर रखे गए थे, कि शुरुआत से ही पढ़ाई करने के लिए मेरे घर पे मास्टर रखे गए थे। साथ में उन्होंने कहा कि पिता नहीं चाहते कि मैं ना समझ उम्र में गलत संगति में पड़ गया और गाली गलौज और बुरे संस्कार ग्रहण करूं। लेखक नहीं ऐसा चाहते थे कि मेरे पिताजी, लेखक बताते हैं कि मेरे पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे कि मैं कोई गलत राह पर चला जाऊं और गलत लोगों के साथ रहकर गाली गलौचे वगैरह सीखूं। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया। जब मैं कक्षा में 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, लेकिन जब उन्हें स्कूल में भर्ती कराया जाता है तो वह 2 कक्षा तक का अभ्यास तो अपने घर पर ही कर लेते हैं। साथ में वह क्या करते हैं कि तीसरे दर्जे में जब भर्ती हुआ तो उसी दिन शाम को पिताजी ने उंगली पकड़कर मुझे घूमने ले गए। फिर क्या हुआ कि जब तीसरी कक्षा में वह आए तो उनके पिताजी ने उन्हें घूमने उनको घूमने ले जाते हैं।
लोकनाथ एक दुकान से ताज़ा अनार और शरबत मिट्टी के कुल्हड़े में पिलाया। लोकनाथ नामक एक जो दुकानदार था, तो उन्होंने क्या किया कि ताज़ा अनार दिए। अनार का अर्थ होता है जो अंगूर। तो अनार के साथ साथ उन्होंने क्या दिया कि एक मिट्टी के कुल्हड़े में शरबत पीने के लिए दिया, और साथ में सर पर हाथ रख कर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम के किताबों में को भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे कि माँ। फिर वह कहते हैं कि वायदा करो कि तुम पाठ्य पुस्तक की किताबों भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे कि जिस तरह से माँ की सभी सारी चिंताएं मिट जाए। उनका आशीर्वाद था कि मैं जी तोड़कर परिश्रम के चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पांचवे दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। फिर वह क्या किया कि कोई भी किताब हो, चाहे स्कूल की किताब हो, चाहे अपना अभ्यासक्रम की हो, चाहे कोई भी किताब हो, तो वह ध्यान से पढ़ते थे और उनका आशीर्वाद के कारण उनका जो चौथा नंबर आए और पांचवे दर्जे में मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भर दिए और गले लग लिया और वह उसी उत्साह से पढ़ते थे कि पांचवी कक्षा में वह फर्स्ट नंबर पर आ गए। साथ में वह जो उनका परिणाम आया, तब उनकी माता ने आंसू भरकर उसे गले लगा लिया और पिता मुस्कुराते हुए कुछ बोले नहीं। पिता अकेले मुस्कुरा ही रहे थे और कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे सबसे ज़्यादा अंक थे। जब अंग्रेजी विषय में उनके सबसे ज़्यादा अंक थे, अतः स्कूल से इनाम में दो अंग्रेजी किताबें मिली थी। अतः यानी तत्पश्चात उन्हें पढ़ने के लिए दो किताबें मिली थी। एक में दो छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ और उनकी बोलियाँ, उनकी आदतें की जानकारी उन्हें मिलती है। तो दूसरी किताब थी द रस्टी रग। पहली किताब में क्या था कि दो बच्चे होते हैं जो जंगलों में घूमते हैं, घोंसले यानी पक्षियों की खोज करते हैं, साथ में उनके जो नाम होते हैं वह सब खोज करके इकट्ठा करते हैं, तो उनकी जानकारी मिलती है। और दूसरी किताब रस्टी द रग, जिसमें पानी की कथाएं थी और कितने प्रकार से होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लिया जाता है, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, वेल होती है, शार्क कैसी होती है, तो सब तो दूसरी पुस्तक में से यह सब को जानकारी प्राप्त हुई। इन दोनों किताबों ने एक नई दुनिया के द्वार मेरे लिए खोलिए। ये दोनों पुस्तकों का इतना प्रभाव था कि उनके द्वार खोल दिए। पक्षियों ने मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई थी और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रख कर कहा, आज से यह खाना तुम्हारा, अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ होती है उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हो कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई, तो उसका कारण भी यह बचपन का एक अनुभव है। तो उसी तरह से किताबें पढ़ना और किताबों में से कुछ ग्रहण करना और साथ में वह किताबों में से कुछ नई खोज बाहर लाना, तो वह उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इलाहाबाद भारत का प्रख्यात शिक्षा केंद्र है। मैं वहाँ रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर मनमोहन मालविया द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली थी तो मैं उसमें जाकर अध्ययन करता था। फिर वह क्या करते थे कि इलाहाबाद जो है
जो भारत में आए हैं उत्तर प्रदेश, तो वह प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। तो वह धर्मवीर सिंह भारती क्या करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित, जो मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक, वह अपने मोहल्ले में लाइब्रेरी थी हरि भवन, और स्कूल से छुट्टी मिलती ही वह उसमें ज़्यादातर अध्ययन करते थे। तो उसी तरह से धर्मवीर सिंह जो थे, ठीक है, धर्मवीर भारती जी, तो अपने जब उन्होंने पहली पुस्तक खरीदी थी, ठीक है, जय स्वामीनारायण।